आईसीसी की ताजा ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स आई। विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तबाही मचाई। बाबर आजम को भी राहत की सांस आई। नमस्कार, क्रिक इन्फॉर्मर देखना शुरू कर चुके हैं आप। आईसीसी ने आज अपनी ताजा रैंकिंग जारी की। इसमें भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और विराट कोहली को बड़ा फायदा हुआ, तो वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के नंबर वन के ताज पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शुभमन गिल और बाबर आजम के बीच अब बहुत ही कम अंतर रह गया है। वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में नजर आए क्विंटन डीकॉक और हेनरिक क्लासन ने भी लंबी छलांग लगाई है। क्विंटन डीकॉक आईसीसी की बल्लेबाजी रैंकिंग में तीसरे और हेनरिक क्लासन चौथे स्थान पर आ गए हैं। वहीं वर्ल्ड कप की पांच पारियों में 157 रन बनाने वाले बाबर आजम अभी भी आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन पर काबिज हैं, लेकिन उनके रेटिंग पॉइंट्स घटकर 829 रह गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर शुभमन गिल के रेटिंग पॉइंट्स बढ़ गए हैं और दोनों के बीच का फासला बहुत कम हो गया है। दरअसल देखा जाए तो शुभमन गिल वर्ल्ड कप में शुरुआती मैच में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि उन्हें डेंगू था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला जिसमें उन्होंने 16 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने 53 रनों की शानदार पारी खेली। धर्मशाला में शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 रन बनाकर आउट हो गए। तीन पारियों में उन्होंने अब तक 95 रन बनाए हैं, जिससे शुभमन गिल के पॉइंट्स बढ़ गए हैं। अब अगर बाबर आजम और शुभमन गिल के पॉइंट्स के बीच के अंतर की बात करें तो बाबर आजम के 829 रेटिंग पॉइंट्स हैं और शुभमन गिल के 823 रेटिंग पॉइंट्स, तो दोनों में सिर्फ 5 अंकों का अंतर रह गया है। ऐसे में अगर शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी पारी खेलते हैं तो वो अगले हफ्ते नंबर वन ओडीआई बल्लेबाज बन सकते हैं। वहीं भारतीय टीम के स्टार रन मशीन विराट कोहली 757 अंकों के साथ छठे स्थान पर आ गए हैं। आपको बता दें, विराट कोहली पहले 8वें नंबर पर थे। अब जाते जाते आइए नजर डाल लेते हैं आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स पर। नंबर वन बाबर आजम, नंबर टू शुभमन गिल, नंबर थ्री क्विंटन डीकॉक, नंबर फोर हेनरिक क्लासन, नंबर फाइव डेविड वॉर्नर, नंबर सिक्स विराट कोहली, नंबर सेवन हैरी टेक्टर, नंबर एट रोहित शर्मा, नंबर नाइन रेसी वैन डर ड्यूसेन, नंबर टेन इमाम उल हक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।